मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसान चिंता ना करे, उनकी फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, सरकार उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देगी। सरकार ने खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाने की तिथि भी बढ़ा दी है। 25 मार्च से प्रदेश में फसलों की खरीदी का काम शुरू हुआ है, लेकिन कई जगह पर किसानों को फसल बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। किसानों को जो खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाना था उसकी तिथि भी बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, एक एक दाना खरीदा जाएगा, पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है और हमने ये फैसला भी लिया है कि थोड़ी देरी के कारण, देरी इसलिए कि ओला पानी भी बीच में आया, खरीद तो अभी शुरू हो रही है, तो किसानों को जो खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाना था उसकी तिथि भी बढ़ा के अभी 30 अप्रैल कर दी गई। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।